नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब न्यूज़ नाउ में। आज मैं आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में जो 198 कलर के पदों के लिए जो अधिसूचना जो जारी हुई है उसके बारे में बताना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल जॉब न्यूज़ नाउ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिल सके। और वीडियो अगर हमारा पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो 198 पदों के लिए कल रखे पदों के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उन पे अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, ये क्या क्या चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल में जाके टाइप करना है www.kuk.ac.in रिक्रूटमेंट 2019। इस पे आप एंटर करोगे तो आपको ये वाले पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके आपको क्लिक करना है, फर्स्ट जो ऑप्शन है उस पर हमें ये दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर पोस्ट ऑफ क्लर्क, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो हमारे पास जो है ये ओपन हो जाएगा। इसमें हमें दे रखी है डेट ऑफ पब्लिकेशन 3/3/2019, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अप्रैल 2019, क्लोजिंग डेट है 15 मई, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ फीस की भी 15 मई 2019 है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ये क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट अगर आपको करना है तो ये इसके लिए, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ लेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हमें एडवर्टाइजमेंट दी गई है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर 198 पोस्ट ऑफ क्लर्क, ठीक है। तो ये क्या है, हमें ये दी गई है, इसमें एडवर्टाइजमेंट है ये। ये हम कहाँ पे देख सकते हैं, www.kuk.ac.in 9/4/2019 के बाद जो है वो हम अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट ये जो मैंने आपको पहले बताई, फिर उसके बाद है टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर जो टाइप टेस्ट है उनकी जो डेट्स हैं वो आप इसकी KUK की ऑफिशियल वेबसाइट से पता कर सकते हैं। फिर हमारी 198 पोस्ट जो हैं वो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी हैं वो हमें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो हमारी कितनी होगी ये हमें दे रखा है। जनरल कैटेगरी मेल ऑफ हरियाणा एंड अदर स्टेट, मेल और फीमेल उनके लिए 1200 रुपये, और फीमेल ऑफ जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा के लिए 600 रुपये, और अदर जो है उनके लिए 300, और मेल फीमेल ऑफ PWD कैटेगरी जो है हरियाणा की उनके लिए क्या है, नो चार्जेस, ठीक है। फिर हमें पे स्केल, एज एंड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, पे स्केल वो है हमारा 19,900 से 63,200, ठीक है। एज है 18 to 50 ईयर्स। फिर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मैट्रिक विद हिंदी एंड संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। फिर ये टाइपिंग के लिए, फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, पहला हमारा क्या है टाइप टेस्ट होगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट, फिर उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है एग्रीगेट मार्क्स है 100। सिलेक्शन प्रोसीजर, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन अवर टोटल एग्रीगेट मार्क्स एंड मेरिट ऑफ द कैंडिडेट आउट ऑफ 100। मेरिट के जो बेस पे है वो हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हमें ये इस तरह से फेज़ वन होगा, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर, तो टाई ब्रेकिंग
क्राइटेरिया, फेज़ वन टाइप टेस्ट, फिर फेज़ टू में हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर उसके बाद फेज़ थ्री में हमारे ये होगा 60 मार्क्स, 60 मिनट्स का, मैक्सिमम मार्क्स 30, ठीक है। फिर फेज़ फोर होगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारी, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। ये सारी जो है वो हमें अच्छी तरह ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन है वो हमारी हमें अप्लाई करने से पहले ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो अप्लाई करने से पहले आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है हमारी 15 मई 2019, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस हमारे इस पेज पे। यहाँ पे हम अगर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है जिनके लिए जो निकली थी उसमें आपने पहले अप्लाई किया हुआ है या नहीं, अगर अप्लाई किया हुआ है तो यस, नहीं किया हुआ है तो नो, तो इसके बाद आपका जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमियां दिखाई दें तो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।